क्रिटिकल फ्रेमवर्क। अब ये क्या चीज है? इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन दिस रिगार्ड, सैयद राबिया बतूल इज ऑलवेज देयर फॉर गाइडिंग यू, फॉर लीडिंग यू एंड फॉर टीचिंग यू ऑल द थिंग्स। लेट्स गेट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्कॉलर्स एंड माय फ्यूचर स्टार्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्ट। सैयद राबिया बतूल विद अ न्यू टॉपिक, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आई होप यू लर्न अ लॉट एंड यू एंजॉय विद माय वीडियोस। दिस इज़ माई मिशन टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। ये मेरा मिशन है आपको पढ़ाना, आपको सिखाना, और ये आपका मिशन होना चाहिए पढ़ना, सीखना, और फिर पढ़ने और सीखने के बाद आगे अपनी नॉलेज को शेयर करना, पढ़ाना, लाइक आई एम डूइंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। सो गाइज, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो होता है, जब कभी हम रिसर्च करते हैं वहाँ पर हमारी थ्योरी होना ज़रूरी है। लाइक एज आई हैव मेंशन अगेन एंड ओवर अगेन, जाहिर सी बात है मैं अपने ही टॉपिक को मेंशन करूँगी, जो मेरा सिनॉप्सिस, जो मेरा रिसर्च टॉपिक है। तो मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टोस पॉलिटिकल लेगेसी फ्रॉम 1967 टू 1977। अब भुट्टो की पर्सनैलिटी, भुट्टो की लाइफ से रिलेटेड जो भी थ्योरी मुझे लगेगी कनेक्टेड, मैंने वहाँ यूज़ करनी है। क्योंकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें ये बताता है कि आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, वो आपकी थ्योरी किस तरह सपोर्ट कर रही है। अब कोई भी थ्योरी आप यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो ग्रेटमैन थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है, करेक्टरिस्टिक ब्ला ब्ला, देयर आर सो मैनी थ्योरीज, इफ़ यू गूगल इट सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थ्योरीज। अब मुझे जो फाइंड हुआ वो यही था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पर्सनैलिटी से जो रिलेटेड थ्योरी है दैट इज़ द ग्रेट मैन थ्योरी। क्योंकि देखिए, द ग्रेट मैन थ्योरी जो है वो ये बताती है कि जो भुट्टो की पर्सनैलिटी थी वो इननेट थी, यानी उसमें इननेट लीडरशिप क्वालिटीज थी। ग्रेट मैन थ्योरी में यही डिफाइन है कि इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ एनीथिंग ऑफ लीडरशिप, दैट इज ग्रेट मैन थ्योरी। एक है जो हम खुद बनते हैं और एक है जो हम खुद ही होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम, अब मेरे अंदर खुद एक लीडरशिप क्वालिटीज है, तो जब कभी मुझ पर रिसर्च की जाएगी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, सो मेरे साथ भी द ग्रेट मैन थ्योरी एंड द थ्रेट एंड द ट्रेड थ्योरी, TRAIT, ट्रेड थ्योरी VS ग्रेट मैन थ्योरी, ये मेरे साथ यूज़ की जाएंगी। क्योंकि मेरे अंदर आई ऑल्सो हैव लीडरशिप क्वालिटीज इनहेरेंटली एंड इननेट, ये मैंने खुद से डेवलप नहीं की। बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड आई हैड लीडरशिप क्वालिटीज, आई लाइक लीडिंग द पीपल, मोटिवेटिंग द पीपल, टेलिंग द पीपल। सो लाइकवाइज जो भुट्टो की पर्सनैलिटी से रिलेटेड थ्योरी थी वो लीडरशिप थ्योरी थी, लीडरशिप थ्योरी में ग्रेट मैन थ्योरी थी। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमारा बहुत ज़रूरी होता है जब कभी हम रिसर्च करते हैं। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें ये बताता है, पढ़ने वाले को भी ये बताता है कि इस बंदे की जो रिसर्च है वो किस चीज़ के अबाउट है। सिर्फ आपकी एक थ्योरी जो है वो आपकी पूरी रिसर्च को सपोर्ट करती है। सो आई होप यू हैव गॉट इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च, वेन एवर वी आर डूइंग रिसर्च, वेन एवर वी आर राइटिंग अवर सिनॉप्सिस, अवर थीसिस, वी नीड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है गाइज, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।